को बताया, मेरी माता की माता आने वाली है। इस पर अनिल ने हंसकर बोला, अरे कहो ना कि तुम्हारी नानी आने वाली है। तुमने देखा कि माता की माता अनेक शब्दों का समूह है। अनिल ने इसके लिए एक शब्द नानी का प्रयोग किया है। अब हम ऐसे तो नहीं बोल सकते ना बेटा, माता की माता, उसके लिए हमने कौन से शब्द का प्रयोग किया? नानी का। कई बार हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखते या बोलते हैं। अपनी बात कहने के लिए कम शब्दों का प्रयोग करना भी एक कला है। भाषा को सरल व प्रभावशाली बनाने के लिए हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। अपनी बात आसानी से समझाने के लिए इससे बात आसानी से समझ आ जाती है। जैसे जो हमें पढ़ाते हैं, अब जो हमें पढ़ाते हैं उनके लिए हमने एक शब्द का प्रयोग किया है, कौन से? शिक्षक। यहाँ पर आप अध्यापक भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ जो हमें पढ़ाते हैं उनके लिए हमने एक शब्द का प्रयोग किया है, शिक्षक। नेक्स्ट है पिताजी के पिताजी। अब जो पिताजी के पिताजी होते हैं उनको क्या बोलते हैं? दादा। अब हम ये तो नहीं बोलेंगे ना पिताजी के पिताजी, हमने उनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया है। कौन से शब्द का प्रयोग किया है? दादा। नेक्स्ट है पिताजी के भाई। पिताजी के भाई के लिए हमने कौन सा शब्द का प्रयोग किया है? चाचा। अब जो पिताजी के भाई होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? चाचा। जो देख ना सके उनको क्या बोलते हैं? कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं हम उनके लिए? अंधा। जिनको नहीं दिखाई देता है उनको क्या बोलते हैं हम? अंधा। जो सुन ना सके, जिनको सुनाई नहीं देता है, जो सुन ना सके उनके लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया है? बहरा। जो सुन न सके, बहरा। नेक्स्ट है पूजा पाठ करने वाला। आपने देखा भी होगा, आप मंदिर में जाते हो, ठीक है, मंदिर में कौन होता है पूजा पाठ करने वाला, को कौन बोलते हैं हम? पुजारी बोलते हैं ना। अब ये तो नहीं बोलेंगे जो पूजा पाठ कर रहा है, ठीक है, उसके लिए हमने एक शब्द का प्रयोग किया है, पुजारी। पूजा पाठ करने वाला पुजारी। नेक्स्ट है जो किसी से नहीं डरता हो, जिसको किसी से डर नहीं लगता उसको हम क्या बोलते हैं? निडर। कौन सा शब्द प्रयोग किया हमने उसके लिए? निडर। जो किसी से नहीं डरता हो, निडर। जो बहुत परिश्रम करे, जो बहुत ज्यादा परिश्रम करता उसको क्या बोलते हैं? उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया हमने यहाँ पे? परिश्रमी। जो बहुत परिश्रम करे, परिश्रमी। नेक्स्ट है जो गाना गाता हो, जो गाना गाता है उसको हम क्या बोलते हैं? गायक। कौन सा शब्द प्रयोग किया हमने उसके लिए? गायक। नेक्स्ट है जो चित्र बनाता हो, जो चित्र बनाता है उसको क्या बोलते हैं हम? कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे उसके लिए हम? चित्रकार। जो चित्र बनाता हो, चित्रकार। थैंक यू।